Limitations of Software as a Service. In this module, we will discuss some of the challenges or shortcomings of Software as a Service model. So, aiye start karein. Sabse pehle, it allows for low confidence in data security. Is wajah se, kyunki aap ek software use kar rahe hain jo third party ne apne data center mein host kiya hai, to agar aapne apna data save kiya hai, to wo sare concerns jo hain, kyunki aapka ho sakta hai confidential data ho. आप शेयर ना करना चाहते हो टू एनी अदर कंपनी, लेकिन अगर आप उनके सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को यूज कर रहे हैं तो सारा डेटा जो है उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज, लो कॉन्फिडेंस होगा आपको अगर आपने कोई ऐसा वेंडर सेलेक्ट किया है जिसकी मार्केट में इतनी अच्छी रिप्यूटेशन नहीं है. डेंजर ऑफ सर्विस टर्मिनेशन, ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपकी सर्विस जो एग्रीमेंट आपने किया उसको टर्मिनेट कर दिए, जिसका मतलब ये कि सारा डेटा अगर वो कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, तो वो उनके पास मौजूद होगा. Require quick, consistent internet connection. इसकी एक requirement जो है उस software को use करने की, that is कि आपकी अपनी company में stable internet connection होना चाहिए जिसकी speed भी अच्छी हो. जिसका मतलब यह है कि आप web browser के through उस software की functionality को use कर रहे हैं. अगर आपके पास slow connection है, जिसका मतलब ये होगा कि आप उस functionality को आसान तरीके से नहीं use कर पाएंगे. Software cannot be used during downtime. अगर किसी वजह से थर्ड पार्टी जो कंपनी है जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है और अपने डेटा सेंटर में होस्ट कर रहे हैं, किसी वजह से वो सॉफ्टवेयर डाउन हो गया, वो अवेलेबल नहीं है, उसका मतलब ये होगा कि आप की जो सारी कंपनी है वो अब उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर सकते. रिक्वायर कंपेटेबिलिटी विद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर. अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है और आपको एक स्पेसिफिक वेब ब्राउजर चाहिए तो वो ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हर वेंडर जो है वो कन्फिगर करेगा अपने सॉफ्टवेयर को ताकि स्पेसिफिक ब्राउजर्स के ऊपर उनकी एप्लीकेशन बेहतर तरीके से रन हो. कमिशनिंग अनफिनिश्ड सॉफ्टवेयर. डिफिकल्टी इन कस्टमाइजेशन. अगर कोई कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम योर कंपनी तो वो आप उनको बता जरूर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपग्रेड्स और सपोर्ट और मेंटेनेंस ऑटोमेटिक करेंगे और खुद करेंगे तो उसमें हो सकता है कि कस्टमाइजेशन के इश्यूज आपको फेस करने पड़े. परफॉर्मेंस इश्यूज सच एज स्लो स्पीड. अगर किसी वजह से जो कंपनी उस सॉफ्टवेयर को बना रही है और डेटा सेंटर में होस्ट कर रही है, या आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, जिसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस कम होगी. फीलिंग कस्टमर कैप्टिविटी और उसके साथ साथ नीड फॉर अवेलेबिलिटी फॉर क्लाउड डेटा. तो अगर आपने सारा डेटा उस कंपनी को दे दिया और उसको यूज कर रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर को, तो इसका मतलब यह है कि अब सारा प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डेटा उनके पास मौजूद है और आप अब उस कंपनी पे रिलाय कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको इंटरनेट चाहिए, स्टेबल इंटरनेट चाहिए ताकि परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई इश्यूज ना आए. वेंडर लॉक इन. अगर आपने, हो सकता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और आपने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उसकी फंक्शनैलिटी फ्रॉम दैट स्पेसिफिक वेंडर यूज कर रहे हैं, तो आप उस वेंडर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो अब उसी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे और सारा डेटा उसी वेंडर के पास मौजूद होगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशंस और कुछ सॉफ्टवेयर आप एक वेंडर की यूज करें, और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यू माइट बी यूजिंग अदर वेंडर फॉर अदर एम्प्लॉयज इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वट एवर डेटा यू आर अपलोडिंग ऑन टू द वेंडर्स डेटा सेंटर, अगर उसमें confidentiality या private data है, तो you have to communicate to that specific vendor के security और data security related issues जो हैं उसको वो सामने रखें और उसको बेहतर तरीके से manage करें.